बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पे मेरी कॉल पे सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों में इसी तरह मेरे बाशऊर कौम के लोग आज एक हकीकी आजादी की तहरीक में निकले। मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूं। या सामने खामोशी खामोशी खामोशी, एक खामोशी। और देखें, हमारी सारे तरीके इंसाफ के जलसों में ख्वातीन आती हैं, सारे जलसों में आती है, और सारे मेरे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उनका पूरी तरह ध्यान रखा जाए। अब खामोशी से आपने आज मेरी बात सुननी है। अब ये खामोशी खामोशी। देखें, जब चंगेज खान दुनिया में फतह करने के लिए निकला तो वो ये करता था कि जब एक शहर को फतह करता था तो वो उसके बाद लोगों की गर्दनें काट के उनकी खोपड़ियों के या एक पहाड़ी बनाता था और फिर थोड़े से लोगों को वो जुल्म दिखा के उनको छोड़ देता था। वो चारों तरफ चले जाते थे और वो सब दुनिया को चंगेज खान की दहशत बताते थे और उसके नतीजे में बहुत शहर लड़े बगैर ही हाथ खड़ा कर देते थे। जब उसकी दहशत का खौफ लोगों में आता था, लड़े बगैर ही लोग हाथ खड़े कर देते थे। सारी दुनिया पे छा गया वो, चुप, सारी दुनिया में छा गया। उसने अपने दौर में 3 करोड़ मुसलमानों का कत्ल किया। मुसलमान अपने अरूज पे थे। मैं ये आज आपको क्यों बता रहा हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में लोगों के ऊपर दहशत फैलाई जा रही है गुलाम बनाने के लिए। ये गौर से सुने मेरी बात। ये जो शबाज गिल से हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि उसने कहा क्या, जो उसने कहा उससे बहुत ज्यादा नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, शबाज नहीं, शबाज तो खैर बूट पॉलिश करता रहता है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम, ख्वाजा आसिफ, फजल रहमान डीजल, इन सब ने उससे बहुत ज्यादा ऐसी बातें की कि वाकई इस फौज के इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इसलिए शहबाज गिल को नहीं पकड़ा कि उसने कहा क्या था, उसको इसलिए पकड़ा, उसके ऊपर तशद्दुद किया। कोई भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं चले। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान के कानून से ऊपर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। डराने की कोशिश की कि सब देख के डरे कि अगर शबाज गिल को इस तरह तशद्दुद करके
उसको ज़हनी तौर पे अगर उसको तोड़ सकते हैं तो वो किसी से भी ये कर सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए एक फैसला कुल वक्त है। मैंने आज आपको दो वजह से यहां बुलाया। एक के जो शबाज गिल से इन्होंने किया और कर रहे हैं, और दूसरा अवाम की आजाद आवाजों को बंद करने के लिए जो इन्होंने सबसे मकबूल चैनल ARY उसको बंद किया। इसलिए नहीं बंद किया, इसलिए बंद नहीं किया कि ARY ने कोई गलती की, उसको भी इसलिए बंद किया कि वो सच दिखा रहा था। वो हमारा मौकफ, मेरा मौकफ, अवाम का मौकफ वो पब्लिक के सामने लेके आ रहा था, इसलिए उसको बंद किया और बाकी चैनल्स को खौफ फैलाया कि अगर तुम लाइन में ना आ गए तो इसी तरह तुम्हें भी बंद करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज इसलिए आपको सिर्फ 24 घंटे नोटिस में आप सबको बुलाया। ये बड़ा अहम वक्त है पाकिस्तान में, फैसला कुन वक्त है, डिफाइनिंग मोमेंट है। ये ऐसा वक्त है कि अगर हम इस खौफ, अगर हम इस खौफ के बुत के सामने झुक गए, हमारे सामने गुलामी है। हमेशा दुनिया की तारीख में फिरौन और डिक्टेटर्स और बादशाह वो लोगों को गुलाम बनाते थे खौफ के ऊपर, वो लोगों को गुलाम बनाते थे मीडिया का, लोगों की आवाजें बंद करके वो लोगों को पर काबू पा जाते थे, लोगों की तनकीद खत्म करके। इस तरह अवाम गुलाम बन जाती है। तो आज हम सब ने सबसे पहली चीज कि हम सब ने इस जुल्म का मुकाबला करना है, और पहली दफा अपनी 26 साल की सियासत में मैं पहली दफा एक जिंदा कौम देख रहा हूं पाकिस्तानियों को। पहली दफा एक सोई हुई कौम जाग रही है। इलामा इकबाल सोए हुए मुसलमानों को, गुलाम मुसलमानों को मुसलसल कई सालों से अपनी शायरी से जगाने की कोशिश की, मुसलमानों की गैरत को जगाने की कोशिश की, उन्होंने मुसलमानों की खुददारी को जगाने की कोशिश की। आज भी वही दौर है। हम अंग्रेज से तो आजाद हो गए, लेकिन जो आज इन चोरों को ऊपर बिठाया एक बैरूनी साजिश के तहत, और उसके बाद इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं खौफ फैला के, 25 मई कभी ये कौम भूलेगी नहीं। पूरा मन इत्तेजाज था, यहां डी चौक की तरफ लोग, फैमिलीज, बच्चे एक पूरा मन इत्तेजाज कर रहे थे, और उस पूरा मन इत्तेजाज को जिस दहशतगर्दी से दहशत फैलाई गई, सामने नजर आ रहा है रेंजर्स को और पुलिस को, औरतें, बच्चे, फैमिलीज हैं उनके ऊपर जिस दर्दी से इन्होंने शेलिंग की, सिर्फ एक मकसद था कि इन चोरों को हम किसी तरह, इन चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया,
हम किसी तरह तस्लीम कर लें। सब सुन लो, ये चोरों को, जो चोरों का टोला है, जो थ्री स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर भगोड़ा बैठा है, आज सब सुन लो, ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है, शऊर आ गया। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैलाने की कोशिश करें, मीडिया को डराएं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को उठा लें, उनको धमकियां दें, उनके ऊपर एक्शन लेने से उनको डराएं, ये मैं आज चैलेंज करता हूं आपको। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप करें, आप ये अवाम के समुंदर को जो आजादी चाहता है आप नहीं रोक सकते। शहबाज गिल को, शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, दो दिन जो तशद्दुद किया और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे पर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, जेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला, उसी को आपने करना था। फजल रहमान से जान जाती है। और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ जो कहता है हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, दोस्तियों की वजह से वो जो मर्जी कह दे उसके ऊपर कुछ नहीं करना। फिक्र ना करो, हम केस करने लगे हैं इनके ऊपर। हम अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राणा सराउल्ला, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात, कौम आजाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से, जब कानून की हुक्मरानी होती है तब एक कौम को हुकूक मिलते हैं और वो आजाद होते हैं। कभी कोई कौम इस तरह के जो इन्होंने खौफ जदा करके लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, कभी कौम कोई बड़े काम नहीं करती। परवाज तो उस कौम की होती है जो आजाद होती है, जिसके लोग आजाद होते हैं और इंसाफ आजाद करता है। और हमारी जंग आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, ये है हमारी जंग। जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं, हम इंशाल्लाह आईजी डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ उसके ऊपर, पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं,
और मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, आपकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, आईन और कानून की हुक्मरानी आपका काम है इंप्लीमेंट करना। ये जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ने दिखाया कि वो कानून से ऊपर है। और मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। इसके अलावा हमने जब सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी पंजाब इनके ऊपर 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया था, फैमिलीज के घरों में 3-3 बजे चले गए, औरतें बच्चे उनको खौफजदा किया, तो जब हमने इनके ऊपर एक्शन लेना था केसेस करने थे तो हमारे वहां लोग डर गए, कहते जी वो उधर से टेलीफोन आ गया कि इनको ना हाथ लगाओ। तो मैं आज अपने न्यूट्रल से सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं क्या वाकई आप न्यूट्रल हैं? हमें तो कहा गया कि दी हम तो न्यूट्रल हैं, बाहर की अगर साजिश हुई थी तो हमने तो पीछे हट गए थे। बिस्मिल्लाह कि माशाल्लाह आप हमारी जो एजेंसी है, और मैं जानता हूं कि हमारी एजेंसी दुनिया में ताकतवर बेहतरीन एजेंसीज हैं, तो आपको तो पता चल गया होगा साजिश का। चले लेकिन आपने फैसला किया था हम पीछे बैठ जाते हैं, ठीक है जी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो जिसको कहें जो जुल्म करता है। पंजाब में हमने जब उनसे पूछा वो कहते जी हमें तो जी पीछे से हुक्म आया था। इधर अब इस्लामाबाद पुलिस कहती है नहीं जी हमने तो किया ही कुछ नहीं। तो मैं सवाल आज पूछ रहा हूं, मैं अपने न्यूट्रल्स को कहना चाहता हूं कि देखें ये मुल्क का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आवाम के साथ खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, इच्छाओं के साथ ना खड़े हो। और मैं अब ARY की बात करना चाहता हूं, ये जो दबाव चैट मीडिया पे डाला जा रहा है, कभी इस तरह का प्रेशर मीडिया पे नहीं पड़ा हमें। जब हम पावर से निकले मीडिया का ब्लैकआउट हो गया, जो अगले दिन 10 अप्रैल को जो पब्लिक सड़कों पे निकली मीडिया का सारा ब्लैकआउट था, कुछ भी नहीं था मीडिया पे, वो तो रात को सोशल मीडिया और सोशल मीडिया जिंदाबाद। 9 जवान हमारे सोशल मीडिया के, मैं तो आपको खास सलाम पेश करता हूं, सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया कि आवाम सड़कों पे, और फिर पहली चैनल जिसने आवाम दिखाई वो ARY था, उसके बाद ARY के ऊपर पूरा जोर। जो पाकिस्तान के एंकर जिनकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी उन सारों के ऊपर जोर, उनको दबाओ,
उनको खौफ ज़दा किया, उनके ऊपर केसेस बनाए। साबिर शाकिर मुल्क से बाहर। अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बेहतरीन एंकर जिसको मैं सलूट करता हूं अरशद शरीफ, वो मुल्क से बाहर। इमरान रियाज के ऊपर केसेस, उसको जेल में, और रियाज अमीर जैसा दानिश्वर उसको इन्होंने जलील करने की कोशिश की। समी इब्राहिम उसको भी जलील करने की कोशिश की, टीवी पे था। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या इससे आप इन चोरों को हमारे ऊपर मुसलत करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे। और ए आर वाई को इन्होंने बंद किया पिछले हफ्ते को, जब हमारा हॉकी स्टेडियम में जलसा था। जलसा तो हमने इधर करना था इस्लामाबाद में, लेकिन इन्होंने किसी को भिजवा दिया यहां। तो मैं तो वैसे उनका शुक्र अदा भी करता हूं कि अच्छा वो यहां आ गए और हम हॉकी स्टेडियम में चले गए। लेकिन अब ARY नहीं दिखा रहा था, तो जिस चैनल ने उसको दिखाया, बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। तो अगर किसी का ख्याल है कि आजकल के जमाने में मीडिया को बंद करके ये लुटेरों के टोले को हमें कबूल करवा देंगे, आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता। सुन ले, मैं सारों को आज सुना रहा हूं जो सुनना चाहते हैं। कोई रोक नहीं सकता जिधर पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान हकीकी आजादी की तरफ जा रहा है, वो आप रोक नहीं सकते। जो रास्ते में आएगा बह जाएगा। अब कल इंशाल्लाह लियाकत बाग में मैं बड़ा अपनी आवाम को पूरा रोड मैप देने लगा हूं कि मैं आपसे मुसलसल पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा। कल से सारे पाकिस्तान का मेरा प्रोग्राम बनाया, मैं अपनी आवाम को अपने साथ बुलाऊंगा और मैं अपनी कौम को समझाऊंगा, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को। बुजुर्ग तो जानते हैं जिन्होंने देखा था पाकिस्तान बनते हुए, मैं सारों को तैयार करूंगा। और इस मुल्क, हमारा मुल्क कभी बड़ा वो मुल्क नहीं बन सकता जो बनना था, जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, कायदे आजम की जद्दोजहद थी, वो तब तक नहीं बनेगा जब तक हम अपनी गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ते। ये जो गिल से हुआ ये हमें गुलाम बनाने के लिए था, ये जो ARY से हुआ ये हमारा मुंह बंद करने के लिए था, ये आजादी की आवाजें बंद करने के लिए था, और ये हमें इन चोरों का गुलाम बनाने के लिए था। मैं निकलूंगा जिस तरह मैंने कहा, कल से मैं लियाकत बाग में अपनी सारी कौम को अपना रोड मैप दूंगा और मैं इंशाल्लाह अपनी सारी कौम को तैयार करूंगा कि ये जो यहां का हलाकू खान है, जो कोशिश कर रहा है कि खौफ की वजह से ये शबाज गिल को मिसाल बना के हमें डराने की कोशिश कर रहा है, उन सबको और अपनी कौम को एक कुरान की आयत का मतलब समझाऊंगा कि कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, और जो सारी जंजीरें तोड़ता है, जो सारी जंजीरें तोड़ता है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब
कि इंसान आजाद हो जाता है जब एक अल्लाह के सामने झुकता है, और दूसरा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका मतलब कि चाहे वो बलूचिस्तान में बैठा हो, चाहे वो गिलगित में हो, चाहे वो कबाली इलाके में, कराची में, सिंध, जिधर भी, हमारी जबानें मुख्तलिफ हैं, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह हमें एक कौम बनाता है, और इस एक कौम ने इंशाल्लाह हकीकी आजादी लेके रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।